आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज। #speakupforssc railway exam। सोचिए कितना गलत हो रहा है यार। अब तो हद हो गई कि आप फॉर्म भरवा लेते हो 2.5 करोड़ लोगों से, उनका पैसा आप खा गए, आपसे ज्यादा भाइयात और गंदा आदमी कौन होगा। अब थोड़े दिन बाद रेलवे बिक जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बच्चों का पैसा डूब गया। अरे मेहनत की कमाई है, खून पसीना बहा के कमाया है 1-1 रुपया। आप कमा के देखो, सरकार का एक आदमी कमा के देखे, फोकट की सैलरी मिल जाती है ना, जगह जगह से पसीना आ जाएगा, जगह जगह से। अभी तो आपको सैलरी भी मिल रही है साहब। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर ये समाज सेवा करते हैं नेता लोग, तो इनको सैलरी किस बात की है? और जब ये सैलरी लेते हैं तो फिर इनको नौकर की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया जाता? फिर ये राजा किस बात के हैं जब ये सैलरी ले रहे हैं देश से? तो बताइए आप। मोदी जी तमाम दिन से मन की बात कर रहे हैं, एक एक बात मैंने इनकी मन की सुनी है। भाई साहब, मन की बात में आज तक इन्होंने रोजगार पे बात की नहीं। अरे रोजगार को गोली मारो, जो रोजगार निकाल दे कम से कम उसे तो टाइम पे दो। या उसे भी टाइम पे नहीं दोगे, उसे भी आपने अपने रेवेन्यू का जरिया बना लिया। लेकिन इन लोग को यह नहीं समझ में आता है कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। गवर्नमेंट को नहीं भूलना चाहिए कि ये युवा ही है जिन्होंने इसे इस सरकार को फर्श पर पड़ी थी इसे उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। लेकिन जिस दिन युवा बिगड़ेगा ना, उस दिन अर्श से उठा के फिर फर्श पर फेंक देगा, टाइम नहीं लगेगा। जिसको आप धीरे धीरे देख रहे हैं, युवाओं के बीच में इतना क्यों खोल रहा है, मन क्यों खोल रहा है? क्योंकि युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और हमेशा पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का ही आवाज दबाया जाता है। रीजन क्या है कि शिक्षा एक ऐसी चीज होती है ना जो आपके अंदर सवाल पूछने की क्षमता पैदा कर देती है। वो जानते हैं कि सोचा पढ़ लिख लेगा ना तो सवाल पूछने लगेगा। सभी बेरोजगार लोगों को नमस्कार। कोई पढ़ाई लिखाई पर बात होगी नहीं, मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, करने वाला हूं। जो भी लोग हैं जिनको परेशानी हो क्षमा चाहते हैं, अब परेशानी हो ये तो क्या कर लीजिएगा, हमको इतना ही कर दीजिएगा। कभी गोली मार देगा कोई तो याद रखिएगा, इतिहास जब लिखा जाएगा तो मरने वालों में लिखा जाएगा, भागने वाले और बिकने वालों में नहीं होगा। सीधी सी बात है। अब ये बेरोजगारी की आलम यह है भैया कि अब आपको बता देते हैं, पढ़े लिखे लोग 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो रेलवे का फॉर्म भरता है, रेलवे का फॉर्म भरता है जिसमें 500-500 रुपए सरकार लेती है, इस तरह से टोटल 12.5 अरब होता है रुपया, यानी कि 12 अरब 50 करोड़। बात समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ का मैं टीचर हूं तो मुझे समझ में आता है। हमारा गांव में 5 रुपए ब्याज चलता है मोदी जी, 5 रुपए सैकड़ा महीना का ब्याज चलता है। 3 रुपए मान लेते हैं कि मोटा रकम है तो 3 रुपए। अब 3 रुपए से हमने निकाला 3% से महीना का, क्योंकि महीना में ब्याज चलता है गांव में, तो इस तरह से 12 महीना में 36% हुआ, 2 साल में 72% हुआ, और ये 12.5 अरब का, 12.5 अरब का जो ब्याज हुआ वो 9 अरब हुआ। 2 साल आप लटका दिए रेलवे वाला फॉर्म भरवा के लड़का सबको 500-500 रुपया लेके। अब आप कहिएगा कि एग्जाम के बाद तो हम पैसा लौटा देते हैं, लेकिन बात यहां यह है कि पैसा तो आप लौटा दीजिएगा, 100-100 रुपया रख लीजिएगा, 400 लौटा दीजिएगा, लेकिन 2 साल में आपने बिजनेस कर लिया है 9 अरब का। भैया बहुत होता है 9 अरब, कोई साधारण बात नहीं है। और जैसे कि काफी सपोर्ट हर जगह से आ रहा है, और आप लोगों ने वो सपोर्ट के साथ पोस्ट को ट्रेंडिंग पे पहुंचाया हुआ है, उसका रिजल्ट ये है कि गवर्नमेंट ने अब एक नई पॉलिसी यूज करनी शुरू की है। अगर आपने मेरी हिस्ट्री क्लासेस देखी होंगी जो मैंने अपलोड की है, तो मैंने आपको एक पॉलिसी बताई थी, एक ब्रिटिशर्स की पॉलिसी होती थी, इसका नाम था कैरेटर स्टिक। तो शायद गवर्नमेंट को पता नहीं है कि हम लोग सब हिस्ट्री पढ़ते हैं, और जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं या यूपीएससी के या रेलवे के या गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, उन सबको ये चीजें ऑलरेडी पता होती हैं। हम लोगों की डिमांड सिर्फ ये थी कि भैया पूरा सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, केवल एक डेट एग्जाम की नहीं डिमांड कर रहे थे कि एग्जाम की डेट दे दो, हम लोग सबको ये चीज डिमांड कर रहे थे कि आप रिजल्ट की डेट भी दो, आप रेलवे के एग्जाम्स के बारे में भी बताओ, एनटीपीसी के बारे में भी बताओ। आप कोई भी हो, चाहे आप फैन हो बहुत बड़े सरकार के नुमाइंदों के, बहुत बड़े फैन हो, जो भी हो, लेकिन आप ये तो समझते होंगे ना कि क्या सही है और क्या गलत है। वो तो दिखता होगा कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हमें बोल सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सरकार गिरा दो, ये करा दो। अरे हमारा छोटा सा काम है दोस्त, बस काम करा दो। और आपके लिए वाकई में वो छोटा सा ही काम है, बहुत बड़े बड़े काम आप कर सकते हो। ये काम तो आप स्टूडेंट्स के लिए, यार स्टूडेंट्स के लिए, हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है जिसकी बारे में हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर बोलते हैं। आत्मनिर्भर कैसे होगा जब स्टूडेंट्स को कुछ आता ही नहीं होगा, 20 से 30 साल की उम्र में जब वो एग्जामिनेशन की तैयारी करता है और अंत में एग्जाम होता ही नहीं है, अगर एग्जाम होता है तो रिजल्ट नहीं आता है, और अगर रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं आती।
तो जो आत्मनिर्भर, जो भारत की बात हम कर रहे हैं, वो आत्मनिर्भरता आएगी कैसे, क्या करके आएगी? जब वो करने लायक ही कुछ नहीं बचेगा तो क्या करके आएगी? तो इसीलिए दोस्तों आज मैं जो बोलने जा रहा हूं, कुछ शायद भक्तों को बहुत बुरा लग सकता है। देखिए, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बहुत करोड़ों लोगों को आना पड़ेगा, 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है ना, तो करोड़ों लोगों को आना पड़ेगा इस कैंपेन के लिए। हम पूरी, एक बात बताओ, विनोद इतना फेमस हो सकता है जिसको मीडिया वाले दिखा रहे, तो ये स्पीक अप रेलवे डिक्लेयर रिजल्ट, ये फेमस नहीं हो सकता कि मीडिया की मजबूरी बन जाए? बताओ आप, इसको भी हम इस कदर फेमस कर देंगे, मीडिया हमसे बोलेगी अब आप आके इंटरव्यू दो, अपनी समस्याएं बताओ। क्या पहले नहीं होता था? पहले लोग आंदोलन नहीं करते थे? सरकार नहीं पूछती थी आपकी समस्या क्या है? अरे प्रजा को सरकार से दिक्कत हो सकती है, किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, सरकार का फर्ज बनता है कि वो पूछे कि उसकी प्रजा खुश है या नहीं। भगवान, आप राम राज्य की बात करते हो ना, भगवान राम ने तो प्रजा के कहने पे मां सीता को छोड़ दिया था, सिर्फ उन्होंने यही पता लगा था कि कोई ऐसे ऐसे उनके बारे में बात कर रहा है। तो आप भी प्रजा का दर्द सुनो। मोदी जी, रिक्वेस्ट है आपसे, आप हिटलर बनने की कोशिश मत करो। जैसे वो हिटलर भी जब जर्मनी में जनता मर रही थी तो वो भी हंस को दाना चुगा रहा था, आप भी दाना चुगा रहे हो। देखो इस युवा के प्रति, लोगों का जीना, मजदूरों के लिए आपने कुछ नहीं किया यार लॉकडाउन में, किसी के लिए किया है तो बता दो। मीडिया तो सवाल पूछेगी नहीं, हम ही पूछें अपने चैनल के थ्रू, करें तो करें क्या, बताओ। जीना दुष्पार कर दिया यार आपने। मैं अपनी जगह रख के जब ये देखता हूं कि एक बच्चा जिसने 3 साल से तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हो, तो उस पर क्या बीतती है। हम लोगों से बात करते हैं, आपको पता है एक मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया कि जब मैं सुबह सुबह 9 बजे लाइव आता हूं पढ़ाने, तो बच्चे मुझे कहते हैं कि घर की छत की टीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, स्कूल की टीन की छत पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाढ़ आई हुई है। आज तक 8 साल आपकी सरकार को हो गए, हम ये सब समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, हम ऐसा कोई टनल नहीं बना पाए कि बिहार में बाढ़ ही ना आए। बट हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब बस वोट से है। अभी चुनाव होंगे तो रिजल्ट भी तुरंत आ जाएंगे, सरकार भी तुरंत हो जाएंगी, विधायकों की खरीद फरोख्त भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बट ना तो कभी SSC से कुछ कहा जाएगा, सबकी मिली भगत है, सब हजार हजार दो दो हजार करोड़ के घपले होते हैं, सब बढ़िया बैठ के आराम से मिल के खाते हैं, इनकी पार्टियां होती हैं सब। यहां बच्चा रोता है, माँ बाप की सुनता है, रिश्तेदारों की सुनता है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है, मजे आ रहे हैं इनके तो, बढ़िया पैसा पहुंच रहा है, सैलरी अलग से मिल रही है, नाम अलग से है, कोई रोक नहीं सकता, अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं, हो गया जीवन, बाकी किसी को किसी से क्या मतलब। 5 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए, यह चेतावनी है हमारी सरकार को, चाहे आप कुछ भी करना पड़े 5 दिन के अंदर आप रिजल्ट दो। क्यों नहीं दे रहे, बना नहीं रिजल्ट आपसे है? जब नहीं पता था, जब आप पेपर का नोटिफिकेशन निकाल देते हमसे रिजल्ट नहीं बनेगा, मैं भी समझ रहे थे तब 2 मिनट में बन जाएगी, एफर्ट लगाया कुछ? जैसे बच्चों से कहते हो एफर्ट लगाओ एफर्ट लगाओ, 3-3 साल बच्चा तैयारी करता है, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए यहां वहां फीस भरता है, आपको पता है कैसे गुजारा करता है? एक इस आस में माँ बाप सोचते हैं चलो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। आपको नहीं पता कि शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए था? चलिए माँ बाप किसी का पढ़ा लिखा नहीं है, कम से कम बच्चा तो सिलेक्ट होकर घर की जिंदगी को बदले। आप वैकेंसी कम निकाल रहे हो, हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया। CBI केस हो गया तो हर दिन अपडेट, हमारा CBI केस हो जाए तो कोई अपडेट नहीं, 2017 वाला केस डिसमिस होने के कगार पे आ गया, कोई सबूत नहीं मिले नकल के। रिया की तो व्हाट्सएप चैट निकल आई, और यहां नहीं निकली किसी की व्हाट्सएप चैट, हमने नंबर तक दिया जिन लोगों ने नकल की, हमने नाम तक बताए उन लोगों के जिन लोगों ने नकल की, क्या किया आपने उनके साथ बताइए? हमने तो अपने जिंदगी दांव पे लगा दी कि जिन लोगों का नाम ले रहे हैं ये कल को हमें मार भी सकते हैं, आपने क्या किया उसके बाद? कुछ भी नहीं। अब उनके आगे के लिए और मुंह खुल गए कि वो और नकल कराएंगे, भाई एक बार मेरी चल गई अब दोबारा से भी नकल होगी। चले बहुत भड़ास है, एक दिन में नहीं निकलेगी, कल भी निकालेंगे परसों भी निकालेंगे, मैंने कहा है 5 दिन हैं, 5 दिन में हम आग लगा देंगे बस। स्टूडेंट हर जगह आप इसको फैलाइए, आप जिस हिसाब से भी काम कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे ट्विटर पे तो ट्विटर पे आप हैशटैग इसको ट्रेंड कीजिए, स्पीक अप फॉर SSC एंड रेलवे स्टूडेंट, इसको हैशटैग में ट्रेंड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड कीजिए ताकि सरकार तक इसकी आवाज पहुंचे। और इस सितंबर में शिक्षक दिवस का ये महीना आता है, सितंबर में हर सोशल मीडिया पे एकदम वैसे ही वायरल कर दीजिए इस चीज को जिस तरह से विनोद वायरल हुआ था, फालतू का विनोद वायरल हो गया था, लेकिन स्टूडेंट के लिए वायरल होने के लिए कुछ नहीं है। आप अगर सोए रहेंगे ना तो यही होगा, आपको कमेंट करके कुछ लोग बताएंगे कि तुम चुप रहा है, तुम ऐसे क्यों बोल रहा है। आप उनसे मत घबराइएगा, क्योंकि एक व्यक्ति 20 जगह कमेंट कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति 20 जगह लाइक या डिसलाइक नहीं कर सकता है। तो आपका मनोबल तोड़ने के लिए कुछ लोग कहेंगे कि तुम बहुत बड़का कोरोना के बीच में जॉब लेने वाला हुआ है, भाई कोरोना के बीच में हम क्या कर रहे हैं, हमको नया वैकेंसी थोड़ी चाहिए, भाई नया वैकेंसी आप कोरोना बाद निकालिएगा, हम कहां करें, कम से कम जो पुरानी वैकेंसी है उनका रिजल्ट तो दे दीजिए। क्या होगा अब बिहार में देखिए, यूपी में देखिए, कहीं भी देखिए,
बिहार में तो गजब समस्या, पीर पूछला भी दरोगा का क्लियर ही नहीं हुआ, अगला दरोगा आ गया, पता चला जो पिछले बैठा था वो भी अब इसमें भरेगा, पता चला पीछे वाले में रिजल्ट हो गया इसमें भी रिजल्ट हो गया, तो एक तो फालतू सीट लेके गया। हम अभी थोड़ी देर पहले बैंक में गए थे, वो थोड़ा सा अनाथ आश्रम के लिए पेमेंट वगैरह करना था, तो वहां पे हम गए ना तो पूछे लोग बैंक वाले, खान साहब कुछ वो चल रहा है ट्विटर पे सरकार के खिलाफ, हम कहें वैकेंसी वाला, तो कह रहे हाँ वो रेलवे वाला क्या और वो एसएससी वाला, उसका तो हम भी फॉर्म भरे थे, अब सोचो भाई वो लोग भी फॉर्म भर के भरे, हर जगह ये समस्या है, किसी एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये स्टूडेंट्स की मांग है, इसे आप राजनीतिक मत समझे, सरकार दे दे, हम लोग सरकार का जिस तरह से विरोध कर रहे हैं उस तरह सरकार का समर्थन करने के लिए भी आ जाएंगे कि हाँ भैया आपने हमारी बात को मान ली थी। स्टूडेंट्स की ओर से हम ये एसएससी रेलवे इन सब को एक बात जरूर बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपना भड़ास हम लोग के पास निकालते हैं सर, हम लोग का जितना भी मैसेज में मैसेज, अब इतना मैसेज आ गया कि मोबाइल की कैपेसिटी खत्म हो रही है, इतना मैसेज का जवाब आदमी कहां से देगा, सबका एक ही बात है सर वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, जो एग्जाम है उनका डेट कब आएगा, नकल कब रुकेगी, ये सब के लिए आप बात उठाइए, वरना कोरोना के बाद जो एक भीड़ एक आग उबल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, उसे रोक नहीं पाएगा कोई। आप ऐसे देखिए कि शिक्षक हिंदुस्तान का आप छोटा या बड़ा कोई शिक्षक देखिए जो आज बगावत के लिए नहीं खड़ा है, तब ऐसे स्टूडेंट आप किसी कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर ऐसे कर रहा है जिसको कुछ नहीं पता तो समझ में आता है कि चलो ये किसी के सिखाने में बगावत कर रहा है, कोई शिक्षक ऐसे पागल हुआ जो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के आपको बगावत करेगा। स्टूडेंट से हम कहना चाहते हैं कि आप हम लोग की शक्ति है, आप धीमे मत पड़िएगा, जो भी सोशल मीडिया है ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कीजिए ताकि ट्विटर पागल हो जाए, यूट्यूब पर जिस तरह से मोदी जी को समझ में आ गया ट्विटर पर भी समझ में आ जाए, कहीं ना कहीं हमको तो यह लगता है कि मोदी जी इतने समझदार है ऐसा बेवकूफी क्यों कर रहे हैं, कोई ना कोई है जो बीच में उनको यह सब चीजें पहुंचने नहीं दे रहा, वरना उनको क्या शौक लगा है किसी को बेरोजगार घुमाने का, और अगर ऐसा है तो भाई बीच वाला जो है उसको देखिए, वरना कौन आदमी दोष किसको देगा, अच्छाई होती है तो उन्हीं को कहेगा, गलत होगा तो उन्हीं को कहेगा, हम लोग भी अपनी आवाज दबने नहीं होंगे देंगे, और आप स्टूडेंट्स लोग के भी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने आवाज को दबने मत दीजिए, आप अपने गार्जियन गली मोहल्ला हर जगह पहुंचा दीजिए इस चीज को कि सरकार आपके साथ गलत कर रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं ना ही हमें सरकार से कोई विपत्ति है, हम लोग को यह राजनीतिक नहीं है, ये हम लोग विद्यार्थियों की समस्या को उजागर करने के लिए आपके सामने लाए हैं, हम लोग की बातें अगर आपको तकलीफ लगती है तो भाई हम इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, हम सारे स्टूडेंट को कहते हैं आप जो भी कमेंट करें जो भी हैशटैग चलाएं उसमें दो चीजों का ध्यान दें, कहीं भी हिंसा को बढ़ावा देने वाला काम न करें और अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, क्योंकि अगर इस तरह का प्रयोग करेंगे तो फिर सरकार को एक बहाना मिलेगा आपके इस आंदोलन को कुचलने का, आप एकदम अहिंसक रूप से एकदम सभ्य तरीके से अपना विरोध दिखाएंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गांधी का देश है, एक दिन हम जरूर जीतेंगे, रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो सुबह होने से नहीं रोक सकती है, सफलता एक दिन में भले ना मिले लेकिन एक दिन तो जरूर मिलेगी, और ये विद्यार्थी अपना इतिहास अपनी हाथों से लिखेंगे, ये वादा है, अगर विद्यार्थी एक साथ जुटे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। चाहूंगा क्योंकि ये विद्यार्थी इस विद्यार्थी जो बेरोजगार है ना उसी के वजह से हमारा रोजगार है, यही बात सच्चाई है, और इसीलिए हम इनके लिए लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए धरना प्रदर्शन होगा, पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा, और जहां ये 2.5 करोड़ विद्यार्थी सड़क पर उतर गया तो सुन लीजिए ये बिहार से लेकर दिल्ली तक हिलेगा, ये बात निश्चित है, एक साथ हम हैं, सबके साथ हैं, सारे छात्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहिए, एसएससी टाइम से एग्जाम नहीं लेती है, एक तो आप वैकेंसी ही कम निकालते हैं, अब वैकेंसी कम निकालते हैं तो जो निकालते हैं ओकर तो कम से कम एग्जाम ले लीजिए, सही से रिजल्ट ले लीजिए, सही से रिजल्ट दीजिए और एग्जाम सही से ले लीजिए, टाइम से ले लीजिए, एक शेड्यूल बना दीजिए, जैसे मैट्रिक का एग्जाम होता है, ट्वेल्थ का एग्जाम होता है कि इस महीने में होगा इस महीने में रिजल्ट होगा, उसी तरह एसएससी का भी एग्जाम होना चाहिए, रेलवे का भी एग्जाम होना चाहिए, आपको जितने सीट पर लेना है लेकिन इसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए, कितने इस महीने में एग्जाम होगा, इस महीने में रिजल्ट आएगा, इस महीने तक ज्वाइनिंग होगा, ताकि अंधेरे में लोग ना जिए। हे प्रभु ये पाप लगेगा अगर इस युवाओं के साथ, गरीब के बच्चा ना जनरल कंपटीशन के तैयारी करता है, आर्मी के तैयारी करता है, गरीब के बच्चा जाता है, कम से कम एकरा साथ इतना अन्याय ना कीजिए, ये पाप का घड़ा भर चुका है, मैंने अपने सर पर जूता मारा है, अगर वोट मांगने मेरे एरिया में आइएगा हम जूता मारेंगे आप लोग को, ये बात पक्का कह देते हैं। आई वीडियो शेयर होना चाहिए आप सबको इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप शेयर करिए, इस वीडियो को पहुंचाइए जहां तक हो सके इसको पहुंचना चाहिए, और हर व्यक्ति आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हल्ला बोल ये नारा लगाइए और सब लोग पहुंचाइए, सब लोग वीडियो बनाइए जितने भी एडुकेशन से जुड़े हुए हैं, कोई क्योंकि कोई मीडिया वाला आपको दिखाने वाला ये नहीं है, और बस यही बात कहना चाहेंगे।
और जल्दी आग के तरह इस वीडियो को फैलाइए। और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया कि आप सब कुछ समझ ही रहे हैं। आपको अपना जो ट्रेंडिंग का सिनेरियो है, जो आपकी पूरी पूरी फोर्स के साथ आप लोग लगे हुए हो, वो शांत नहीं होनी चाहिए। ये मैं सोचना कि गाजर मिल गई है, टॉफी मिल गई है, अब शांत होकर बैठ जाते हैं। अगर शांत होकर बैठ गए तो ये आज के टाइम पे जो पहुंच रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर बन रहा है, वो एकदम ठंडा हो जाएगा। तो अपनी जो अंदर की आग है, जो मोटिवेशन है, उसको जगा के रखना और ये पूरा सिस्टम अब सही करने के लिए लग जाना और लगते रहना कंटिन्यूअसली। क्योंकि अभी अगर ये कैरेट दी गई है, मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है, तभी गाजर दी जाएगी, वरना गाजर भी आपको दी नहीं जाती। तो इफेक्ट पड़ रहा है तो उस इफेक्ट को और पढ़ाओ और ज्यादा बढ़ाओ। तो ये कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूटी के साथ आपको करते रहना है। आपको अपना कंटिन्यूटी के साथ डिमांड रखनी है। हम लोग कुछ लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं, आराम से प्यार से बात कर रहे हैं। डिजिटल है सारा कुछ सिस्टम, तो डिजिटल ही करना है। और भी इश्यूज हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। ये ट्रेंडिंग नंबर वन पे चल रहा था, थोड़ा भी डाउन जा रहा है, इसको ऊपर बना के रखना है हमको। और स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, इसको करते रहना है ताकि रेलवे की भी नजर इस पर पड़े। रेलवे के अभी तक के कान में जू तक नहीं रहेंगी। एग्जाम और सिर्फ भरवाई जा रही है सीटें, और सीटें भरवाने के बाद ऑब्वियस ही बात है, सरकार को जब सीटें भरती है मेडिकल कॉलेजेस की, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, तो उससे सरकार को फायदा डेफिनेटली होता है। तो ये इसके पीछे का जो पूरा स्ट्रेटेजी है वो कहां है, वेयर इज दैट स्ट्रेटेजी? और अगर ये एग्जाम आप ले सकते हैं तो बाकी एग्जाम्स के रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं? एग्जाम के रिजल्ट ही तो डिक्लेयर करने हैं, एग्जाम थोड़ी लेना है दोबारा। आप लोग चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, इट डज नॉट मैटर माय डियर फ्रेंड्स, इट डज नॉट मैटर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सब स्टूडेंट्स ही हैं, ये सारे के सारे हम लोग हैं, ये सारे के सारे हम हमारे अपने हैं। इन सभी के लिए आप लोग जोर शोर से ट्वीट करिए, बहुत जितना ज्यादा हो सके, जब भी करेंगे ये सारे ट्वीट्स को आप एक साथ करिएगा। उसके बाद बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एई असिस्टेंट इंजीनियर, जो 2019 मार्च में एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया, ये बोल के कि कोर्ट में केस अटका हुआ है। ये कोर्ट में केस अटकता है तो ये आता क्यों नहीं है? बाकी काम तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ये तब आएगा जब चुनाव होंगे, तभी आएगा। उसके बाद ये जो एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट, इनकी ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी? ये लोग ये बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, सबको जोन मिल चुके हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो रही है। तो दोस्तों हमें ये सारे के सारे ट्वीट करने हैं, और इसके साथ साथ हमें ये भी करना है #NoJobNoVote, नो जॉब नो वोट। जो गलत है सो गलत है। हम टीचर्स हैं, हम कोई पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड नहीं है, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हमारे लिए ये सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये चीज एकदम क्लियर हो गई है कि सरकार सुनती है, और अगर बहुत अच्छे से जन आंदोलन किया जाए। आज लोगों ने मीम्स बनाए, लोगों ने कहावतें लिखी, लेकिन किसी ने भी अपशब्द नहीं लिखे। आग बुझनी नहीं चाहिए, ये जो आग जल रही है ये जलती रहनी चाहिए जब तक ये सारे मुद्दे, ये तो अभी शुरुआत है, ये जब तक ये सारे मुद्दे सही से सॉल्व नहीं हो जाते तब तक हम रुकेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों हमारा कोई सरकार से पंगा नहीं है, हमारा है कि हमारी बात सुनी जाए। हम स्टूडेंट्स हैं, हम युवा हैं, हमारी जो एज है वो होती है 20 से लेकर के 30 साल की एज, जहां पे हमारे पास एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है, हम हर एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, हम जो दिक्कतें दी जाए सबसे जूझ लेते हैं। लेकिन अगर वो टाइम हमारा वेस्ट हो गया, एक तरीके से देश के डेवलपमेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं है। तो इसी कारण हमें उठना होगा, हमारे भाई बहनों के लिए, हम सभी के लिए, और ये सभी चीजें हमें करनी होंगी। सोशल मीडिया का जमाना है, ये प्रूव हो गया है आज, और इसीलिए ये चीजें हमें एनी हाउ करनी होंगी, करनी है, अभी आपको करनी है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये जो आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये करते रहिएगा। और मैं इसी तरीके से जब तक के पूरी अपडेट्स क्लियर नहीं हो जाती, हर चीज एकदम क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक मैं आपके साथ इसी तरीके से बना रहूंगा और हमेशा बना रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।